उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूह गांव की महिलाओं के लिए सम्मान के साथ जीने और अपने पैरों पर खड़ा हो भविष्य को नई दिशा देने का साधन बन चुके हैं। आज पूरे प्रदेश में स्वयं सहायता समूह बनाकर महिलाएं कुशल गृहिणी के साथ साथ कुशल उद्यमी बनकर अपने लिए स्वरोजगार सृजित कर आत्मनिर्भरता की अकल्पनीय कहानियां लिख रही हैं। कोरोना काल में रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हजारों परिवारों को स्वयं सहायता समूह का सहारा मिला। आज पूरे प्रदेश में 3,71,777 स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं। भारत सरकार के दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य आजीविका मिशन के माध्यम से प्रदेश भर में बड़ा अभियान चलाया है। इस मिशन के तहत 2,41,732 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड, 1,41,709 समूहों को सामुदायिक निवेश निधि व 1,16,133 स्वयं सहायता समूहों को बैंक क्रेडिट लिंकेज से जोड़ा जा चुका है। कोरोना महामारी के बीच खादी विभाग से कपड़ा लेकर 19,275 सहायता समूह अब तक 94,19,000 मास्क बनाकर बांट चुके हैं। और यही नहीं, गांव की महिलाएं 50,000 से अधिक PPE किट भी तैयार कर सप्लाई कर चुकी हैं। साथ ही 470 समूहों ने 13,000 लीटर सैनिटाइजर बनाने का देश में कीर्तिमान स्थापित किया है। जब देश भर से श्रमिक अपने गांव की ओर लौट रहे थे, तब स्वयं सहायता समूह ने प्रदेश भर में 793 कम्युनिटी किचन संचालित कर भूखे पेटों को भोजन खिलाकर उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा की। साथ ही लगभग 30,000 प्रवासी परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा और उन्हें सम्मान से जीने के लिए काम दिया। महिलाओं के हाथों को मजबूत करने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब तक लगभग 32,000 स्वयं सहायता समूहों को मुख्यमंत्री की ओर से 218 करोड़ से अधिक की सहायता की जा चुकी है।